अभी आपने देखा कि मैंने एक नारियल का दो भाग किया था, एक नारियल का तो मतलब एक भाग का मैंने ये पेन होल्डर बनाया, और जो दूसरा भाग है इस दूसरे भाग से मैं साबुनदानी बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये साबुनदानी कैसे बनेगा। पहले तो एक हम राउंड बना देते हैं सर इसमें, ताकि इसमें छेद रहेगा तो जो भी आप साबुन रखेंगे बाथरूम में वो पानी इसमें अटकेगा नहीं, ये पानी में ख़राब नहीं होता है सर, क्योंकि इसमें ऊपर वाले का दिया हुआ फल और जल दोनों चीज़ रहता है। ये मैंने एक सेंटर बनाया, सेंटर पे मैं लाइन दे देता हूँ सर। इसमें सर हमने लाइन दे दिया, अब जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट है सर, इस पॉइंट पे अब हम इसमें ड्रिल बिट से होल करेंगे। ये तो पूरा होल हो गया, अब इसको ये सीधा जमीन पर बैठा रहे इसके लिए थोड़ा सा इसका सरफेस को हमने प्लेन करना है। इसको मैं अब करके दिखाता हूँ सर, इसका सरफेस अब प्लेन हो गया, अब इसको हम धर दिए, ये सीधा से बैठेगा। लास्ट इसमें अब क्या करना है मुझको, ये जितना भी कॉलर निकला हुआ ये थोड़ा सा भद्दा लगता है देखने में, तो ये अच्छा लगे, खूबसूरती लगे, इसका फिनिशिंग हो, ताकि ये मार्केट में जाए तो कोई हाथों हाथ इसे ले ले। इसके लिए हम इसको फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग के लिए थोड़ा थोड़ा ये पार्ट वगैरह निकला हुआ है, इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो मैं सर हाथ से घिसाई करके दिखाया, अब जो है मैं थोड़ी सी फिनिशिंग इसको अपने मशीन से करके दिखाता हूँ कि ये कितना जल्दी हो जाता है सर। इसको सर अब इस ग्राइंडिंग व्हील पे, ये जो मैंने शेप केस बनाया है, इस शेप केस को फिनिशिंग मैं दूंगा, इसका जो है कॉलर थोड़ा सा मार के इसे गोल कर दूंगा, ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगने लगे और मार्केट में ये हाथों हाथ बिक जाए, इसलिए इसका थोड़ी सी फिनिशिंग मैं इस मशीन की सहायता से कर रहा हूँ। अब मैं ये ड्रिल को स्टार्ट करता हूँ। यूँ तो सर ये नेचुरल आइटम है, इसका मशीनिंग जो फिनिशिंग होता है वो तो नहीं आ सकता है, बट इसको प्रयास किया जाता है कि मोटा मोटी ये एक तरह का दिखने लगे। इसके लिए मैंने इसको ग्राइंड किया और ग्राइंड करके चारों बगल करीब करीब एक भाग मोटाई का जो है ये लेवल मैंने मिला दिया है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से इसकी फिनिशिंग करूँगा, हल्के हाथों से इसकी घिसाई करनी है, ताकि इसमें जो स्क्रेच बन गया है इस स्क्रेच को हम हटा सकें। अब इसको हम क्या करेंगे, यूँ तो इसमें नेचुरल चमक भी लाया जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बफिंग वगैरह का साधन होना चाहिए, और इसके बाद इसमें अभी हम आर्टिफिशियल चमक देंगे, इसको हम इसके ऊपर कलर चढ़ाएंगे, कलर चढ़ाने के बाद ये पूरा नेचुरल की तरह ही इसमें पूरा ग्लेज आ जाएगा, उसके बाद जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको उपयोग में ला सकते हैं।